क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन लगाया, सवाल छोड़ दिया, किताब साइड में, कॉपी बंद कर दी, दूसरा चैप्टर उठा लिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे। क्या यही पढ़ाई होगी? आखिर उस सवाल से कब तक बचोगे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ठीक है ना, आज तुमने क्वेश्चन छोड़ा है तो क्या कल भी छोड़ दोगे? क्या परसों भी छोड़ दोगे? जी नहीं, कभी ना कभी तो बेटा उस क्वेश्चन को तुम्हें अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो जब हमें परसों अटैम्प्ट करना है, हमको 6 दिन बाद अटैम्प्ट करना है, तो क्यों ना आज ही अटैम्प्ट करें उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, जरा हम भी देखें उस क्वेश्चन में कितनी दम है। क्या हमसे पावरफुल क्वेश्चन हो सकता है? क्या उसमें 10 पैर लगे हैं, 10 आँखें लगी? जी नहीं, उसकी कमजोरी पकड़ो, उसकी नब्ज पकड़ो। और उसकी नब्ज क्या है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें लगने जा रहा है, बस वो उसकी कमजोरी है। अगर तुमने उसकी नब्ज, उसकी कमजोरी पकड़ ली, तो वही क्वेश्चन तुम्हारे आगे घुटने टेकते हुए दिखाई देगा। तो बेटा चैनल के माध्यम से, स्टेप मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से, मैं सारे बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स को हवा ना मानो, मैथमेटिक्स से डरो नहीं, सवालों से डरो नहीं, सवालों से बात करो। यहाँ बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको कन्वर्सेशन सुनाई भी देगी। यहाँ बात करने का मतलब ये है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी क्या कमी, उसकी नब्ज क्या है, हमें उस नब्ज को पकड़ना है। कौन सा फॉर्मूला लगाने से, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपके पास बहुत गंभीर बीमारी लेके जाते हैं डॉक्टर के पास मरीज, तो क्या डॉक्टर ही डर जाता है? नहीं, बहुत रिलैक्स होकर पहले देखता है कहाँ पर हमें इसका लूज पॉइंट है, किस पॉइंट पे हमें दवा देनी है, कितने समय तक देनी है, कितनी डोज देनी है। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स में भी लगने वाला है। सवालों से डरो नहीं, सवालों की नब्ज पकड़ो, सवालों की कमजोरी पकड़ो, क्योंकि सारी दवाइयाँ, सारे आपके पास मेडिसिन आपके पास ही हैं उस सवाल का उपचार करने के लिए, उस सवाल की रेमेडी करने के लिए। तो आज से ही हमें सवाल से भागना नहीं है, हमें सवाल की तरफ जाना है। तो सवालों में क्या क्या छिपा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, ये हमें सीखना है। थैंक्स अ लॉट।